मगध यूनिवर्सिटी के सभी छात्र एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि 17-2018-21 पार्ट टू एग्जाम फॉर्म और 17-2019-22 पार्ट वन एग्जाम फॉर्म आज से शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा सभी स्टूडेंट्स अंत तक देखें, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरी जानकारी के साथ आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो जितने भी छात्र मेल हो या फीमेल हो, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले गूगल ओपन कर रखा है और आपको भी अपना गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है। सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये बताइए कि मगध यूनिवर्सिटी पर अभी तक ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं आया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं ऑफिशियल नोटिस मगध यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं मगध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सर्च कर लिया हूं और यहां पर मैंने सर्च कर दिया है, हम आ गए हैं मगध यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं, आप ये वेबसाइट कभी भी सर्च कर लीजिएगा। हालांकि इस वेबसाइट के बारे में सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, लेकिन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं है, तो मैं पूरी शुरू से बताऊंगा आपको, ठीक है। ये वेबसाइट है magadhuniversity.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा गूगल पर, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ ऑफिशियल नोटिस, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ प्रूफ के साथ बनाता हूँ, ऑफिशियल न्यूज अपडेट देता रहता हूँ। तो चैनल पर न्यूज हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया स्नातक प्रथम खंड परीक्षा 2019-22, ठीक है। इसमें 18-21 के छात्रों के लिए भी है और 19-22 पार्ट वन के छात्रों के लिए भी है। देखिए, ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है जो मगध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। चलिए हम इसको क्लिक कर लेते हैं। आप जब भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया है और हमारे सामने ये देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है। देखिए, 19-20 पार्ट वन के छात्र, 18-21 पार्ट टू के छात्र, ठीक है। दोनों स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। अब इसे हमें थोड़ा सा डाउनलोड करना होगा, हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद फिर तब जाकर ये पूरा आएगा एकदम क्लियर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमने इसे डाउनलोड कर लिया है और हम इसे ओपन कर लेते हैं। हमने इसे ओपन कर दिया, आप देखिए हमारे सामने पूरा यह पेज ओपन हो गया है और पूरा साफ तरीके से दिख रहा है। दोस्तों, अब तो मगध यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स को विश्वास हो गया कि ऑफिशियल न्यूज अपडेट है ये और एग्जाम फॉर्म जो है आज से शुरू है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ऑफिशियल न्यूज अपडेट जो है वेबसाइट पर आया ही नहीं है, हमें ये फेक लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे। तो दोस्तों, अब तो आप लोगों को विश्वास हो गया होगा, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसे अति आवश्यक समझा जाए। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि इस नोटिस को अति आवश्यक समझा जाए। कोई भी अगर छात्र इस नोटिस को नहीं समझेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, बाद में एग्जाम फॉर्म से वंचित हो जाएंगे, तो कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी और कोई भी आपकी सुनवाई नहीं होगी, ध्यान रखें। तो आप लोगों का एक डेट होता है जो उसमें आप लोगों को कन्फर्म सारा कुछ क्लियर करना होता है। देखिए, अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ, तो ये नोटिस के बारे में तो मैंने सारा कुछ आपको पढ़कर बता ही दिया है। ये नोटिस जो है आज से एग्जाम फॉर्म शुरू होने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए वेबसाइट पर ले जाकर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि शुरू से स्टूडेंट्स को विश्वास हो जाए। अब ये आप लोगों को एग्जाम के लिए, एग्जाम फॉर्म के लिए ऑनलाइन कैसे भरेंगे, ठीक है, ये बात अब स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप लोग यार सभी स्टूडेंट्स को बता दो कि ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट पर जारी हो गया है। चैनल पर न्यू यूजर हो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो और बगल में घंटी का ऑप्शन उसको भी दबा दो कि आने वाली पल पल का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, यदि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, पूरी पल पल की अपडेट टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाता है। तो सो गाइस, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम बैक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए यहाँ पर 31 अगस्त तक जो है एग्जाम फॉर्म भरने का डेट जारी किया गया है और 31 अगस्त तक जो है आप लोगों को ले जाकर भर कर कॉलेज में जमा भी करना है, ये ध्यान रखें। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद ले जाकर कॉलेज में डॉक्यूमेंट के साथ जमा करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं बता दूं सभी स्टूडेंट्स को इसी वीडियो में। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आधिकारिक संतुष्टि है तो अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से परीक्षा पात्र भरने के संबंधित एक अनुमोदन पत्र, देखिए अनुमोदन पत्र लगेगा, प्रमाण पत्र लगेगा, आवश्यक रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि
पत्र भरने वाला छात्र संबंधित महाविद्यालय का ही है, यानी अनुमोदन पत्र आपको कॉलेज से मिल जाएगा। देखिए अनुमोदन पत्र जरूरी लगेगा, अगर आपको कॉलेज में आपको आपके पास अनुमोदन पत्र नहीं है तो कॉलेज जाइए, कॉलेज से पूछिएगा अनुमोदन पत्र हमें चाहिए, वो दे देंगे, ठीक है ना। आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तभी जाकर परीक्षा फॉर्म आपका कंप्लीट होगा, ठीक। सभी स्टूडेंट्स अनुमोदन पत्र जरूर ले लें। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा एक यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे वह छात्र द्वारा ऑनलाइन भरे गए परीक्षा पत्र संबंधित मतलब जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, एवं आवश्यक प्रतीत होने पर पटना प्रमंडल के वैसे छात्र जो स्नातक प्रथम खंड द्वितीय खंड की परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रमोटेड हैं, वैसे परीक्षार्थी अपना परीक्षा फॉर्म ऑफलाइन भरेंगे। जो प्रमोटेड वाले छात्र हैं और ऑफलाइन भरेंगे परीक्षा फॉर्म, बाकी छात्र ऑनलाइन भरेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ अपडेट ही है, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब हम लोग ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म कैसे भरेंगे ये हम जान लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। फिर से हम आ गए हैं गूगल पर, और देखिए गूगल पर आने के बाद हमें यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है, ठीक है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है हमें, ध्यान से देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता दूँ कि magadhyunivarsity.online.in, ठीक है। ये देख सकते हैं ये वाला वेबसाइट है, जिस इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, इस पर हमने क्लिक कर दिया है, और इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया magadhyunivarsity.online, ठीक है, यही ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप लोग एग्जाम फॉर्म भरोगे दोस्तों। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर थ्री वाले डॉट पर क्लिक कर देना है, डेस्कटॉप साइट में कर लेना है, ठीक है। डेस्कटॉप साइट में आप जैसे करोगे, यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिख रहा है, इस बॉक्स को क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन आ गए, ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शन आ गए। यहाँ पर हमें एग्जामिनेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें एग्जाम फॉर्म भरना है, तो एग्जामिनेशन के ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए यूजी एग्जामिनेशन BA BSc BCom आ गया है, ठीक है। अब इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए सभी स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, देख सकते हैं यहाँ पर सामने आ गया आपके सामने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यहाँ पर देखिए। इसके बाद इस पर हमको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने देखिए यहाँ पर कई ऑप्शन मांग रहे हैं, एक यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है कि प्रिंसिपल हेडमास्टर यूजर आईडी, ठीक है, यानी ये यूजर आईडी जो है प्रिंसिपल द्वारा दिया जाएगा, हेडमास्टर के द्वारा, ठीक है। ये कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा, हेडमास्टर द्वारा जो है ये यूजर आईडी दिया जाएगा, तभी जाकर यह परीक्षा फॉर्म कंप्लीट होगा। यानी मैं आपको बता देता हूँ, समझ, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए मान लीजिए सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यानी आपका कौन सा जिला है, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है। आप मान लीजिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट यहाँ पर डाल दिया, मान लीजिए आप गया जिला के हैं, या औरंगाबाद के हैं, या जहानाबाद, या नालंदा, किसी भी जिले के हैं, आप यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए गया जिला ले लेता हूँ, ठीक है, गया जिला मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है कि सेलेक्ट स्कूल कॉलेज, यानी आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन से कॉलेज के हैं आप अपना कॉलेज सेलेक्ट करिए, ठीक है। मान लीजिए JBM गया कॉलेज है, CS जनता कॉलेज है, या गया कॉलेज है, या मान लीजिए BNS कॉलेज है, और एम कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज हैं, आप जो भी आपका कॉलेज है, JJ कॉलेज है, तो जो भी आपका कॉलेज है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने JJ कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें उस कॉलेज में परीक्षा फॉर्म भरना है, तो हमें कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद बात आती है यहाँ पर अब यूजर आईडी और पासवर्ड की। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूजर आईडी और पासवर्ड आपको जरूरी है डालना, ठीक है। यूजर आईडी पासवर्ड कैसे डालना होगा, कैसे मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। यूजर आईडी और पासवर्ड जो है कॉलेज के हेडमास्टर द्वारा दिया जाएगा, प्रिंसिपल द्वारा, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को प्राप्त की जाएगी। ये यूजर आईडी और पासवर्ड जो है आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और नहीं तो आप लोग जाकर ऑनलाइन जो साइबर वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम है जो साइबर कैफ वाले हैं, उनके वहाँ पर जाकर आप जो एग्जाम फॉर्म है ऑनलाइन भरवा सकते हो, ठीक है। लेकिन यूजर आईडी और पासवर्ड जो है, यूजर आईडी जो है आप लोगों को प्रिंसिपल द्वारा दिया जाएगा, कॉलेज के हेडमास्टर द्वारा मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है, आपको कोई गुमराह करने वाली बात नहीं। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल हेडमास्टर यूजर आईडी, ठीक है, यानी ये यूजर आईडी प्रिंसिपल का ही लगेगा। ये यूजर आईडी सिर्फ कॉलेज के प्रिंसिपल को ही मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। तो कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकता है कि एक्टिव कर दें सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि अभी एक्टिव करने में हो सकता है 2 घंटा या 3 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन
आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग अपने अपने कॉलेज जाएं और कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करें और उनसे बोलें सर यूजर आईडी दीजिए, तभी जाकर हमारा एग्जाम फॉर्म जो है भरा जाएगा। जब तक आप यहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक यहां पर आगे की प्रोसेसिंग जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो यूजर आईडी जो है हमें हेडमास्टर द्वारा मिलेगा कॉलेज से, आपको थोड़ा इंतज़ार कर लेना है 2-3 घंटा, जो आप लोगों को हो सकता है दोपहर के बाद जो है यूजर आईडी लॉन्च कर दिया जाए सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा यूजफुल कमेंट सेशन में जो जरूर बताएं। और यार देखिए एग्जाम फॉर्म जो है स्टार्ट है, आज ही से स्टार्ट है, ठीक ना। तो आपको दोपहर तक वेट कर लेना है, दोपहर के बाद हो सकता है प्रिंसिपल द्वारा यूजर आईडी लॉन्च कर दिया जाए ऑनलाइन सभी स्टूडेंट्स को, और नहीं तो आपको कॉलेज जाकर प्रिंसिपल से मांगना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल द्वारा तभी जाकर आपको यूजर आईडी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं अगले वीडियो का मेरा इंतजार करें, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा जो है यूजर आईडी लेने की कोशिश करूँगा, और वहाँ पर मैं जो है जल्द से जल्द जैसे ही मुझे यूजर आईडी मिल जाता है मैं आपको तुरंत ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म एक स्टूडेंट्स का भर के बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी स्टूडेंट्स को, और लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और चैनल पर नए जरा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाली पूरी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इसे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय वंदे मातरम।